तो क्या आप ड्राइविंग नहीं कर पा रहे हो डर के मारे? तो क्या आपको ड्राइविंग करने में परेशानी आ रही है? आप अकेले ड्राइविंग कर नहीं पा रहे हो? तो आइए चलिए जानते हैं हम आज के बारे में। आज का एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं ड्राइविंग फियर क्या होती है। दोस्तों पहले हम सीख चुके हैं गाड़ी चलाने के बारे में, और अब बात आती है दोस्तों ड्राइविंग फेयरनेस की। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं यहाँ से। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चैनल में। और ये दोस्तों आइए जान लेते हैं ये ड्राइविंग फेयरनेस क्या है। सर और मैडम जो भी लोग ये सुन रहे हैं और नए ड्राइवर से जो भी लर्नर से सीख रहे उन सभी के मन में ये एक चीज़ पैदा हो ही जाती है दोस्तों, वो डर का नाम है। ठीक है, ये हम सभी के मन में बैठ जाती है डर। तो डर से हम कैसे आगे निकले और इस डर को हम खत्म कैसे करें? ठीक है दोस्तों, बीइंग अ लर्नर सभी को डर लगती है, बीइंग इंक्लूडिंग मी सभी को ये डर डर तो लगती ही है दोस्तों। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस डर को हम यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आगे जाके ड्राइविंग सीखने में बहुत परेशानियों को झेल सकते हैं। अगर आगे हम ओवरकम कैसे करें, इस डर को हम कैसे मिटाएं, आज इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ तो आइए जान लेते हैं ड्राइविंग के बाद ड्राइविंग फियर क्या है दोस्तों। ये ड्राइविंग फियर जो वो चीज़ है जो आपकी ड्राइविंग करने से पहले वो जनरेट होती है, ये सभी के साथ होती है दोस्तों। ऐसे नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है, आपके साथ हुई है, या आपके साथ हुई है तो कोई और के साथ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। को ये करना चाहिए दोस्तों, डर को ख़त्म कर लेना चाहिए। जितनी आप डरना चाहिए उतना ही डरो, उससे ज़्यादा डरेंगे तो आपके हाथ से कुछ भी कंट्रोल्स नहीं हो पाएंगे। आपको क्या लगेगी, आप आगे सोचने में लग जाएंगे, अरे यार मेरी गाड़ी किसी को लग जाएगी, मेरी गाड़ी किसी के साथ ठुक जाएगी। यही बात नेगेटिव बात आप सोचते सोचते क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी फियर थिंग इतना बढ़ जाती है, आप उसके साथ आपके कंट्रोल्स को खो जाते हैं। आपकी गाड़ी एक दो बार लग भी जाती है, कहाँ पर ठुक जाती है या फिर किसी को लग भी जाती है, तो उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन मिस्टेक्स को, मतलब उन मिस्टेक्स के साथ आपको पॉजिटिवली लेना है। ये मिस्टेक मेरे से क्यों हुई, मैं ऐसा काम क्यों किया, मेरे गाड़ी वहाँ पे क्यों लग गई, मेरे जजमेंट कहाँ पे गलत हुई, मेरा ब्रेकिंग टाइम कहाँ पे मिस हो गई, इन सभी बातों के ऊपर आपको ध्यान रखनी पड़ती है। वो सोच के बिना आप क्या करने लगते हो, अगर आपकी गाड़ी किसी को लग जाती है तो आपके हाथ जो है और हाथ और जो पैर रहते हैं वो कांपने लगते हैं, आप अपने कंट्रोल में ही नहीं रहते, इतना आप डर जाते हो। ठीक है, उनसे डरना नहीं है दोस्तों। लर्निंग स्टेज मतलब यल का मतलब होता है लर्नर्स, लर्नर्स के टाइम पे ही आप मिस्टेक्स करते हो, एक परफेक्ट ड्राइवर तो वो मिस्टेक्स नहीं करता है। सो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर एक दो बार आपकी गाड़ी ठुक भी जाती है तो उससे मत डरिए, उस मत डरिए दोस्तों, उन मिस्टेक्स के साथ आप लर्न बेहतर कर सकते हो। मतलब एक बार आपकी गाड़ी लग जाती है तो आप उनको एनालाइज कर दीजिए, कैसे मेरी गाड़ी यहाँ पे लगी है, तो दोबारा आप वो मिस्टेक्स ज़रूर नहीं करेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, वो मिस्टेक्स आप रिपीट नहीं करोगे। ठीक है डियर सर्स मैडम्स, जो भी लर्नर्स गाड़ी सीख रहे हो, आप सभी लोगों के साथ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप डर को मिटा दीजिएगा। ये ड्राइविंग का जो फियर रहती है ये सभी के साथ रहती है, आप उसको जितना मिटाओगे आपके लिए फ़ायदा होगा दोस्तों। एक अच्छे ड्राइवर बनिए, स्किलफुल ड्राइवर बनिए, इसके लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना आपके हाथ पैर जो है कंट्रोल्स के ऊपर पूरी तरीके से अप्लाई हो जाए, पूरी तरीके से आप यूज़र फ्रेंडली हो जाए कंट्रोल्स के बारे में, कंट्रोल्स के ऊपर, तब आपको लगेगी, आपके माइंड में सोच आएगी, हाँ यार मैं गाड़ी को जजमेंट करने लगा हूँ, ठीक तरीके से मैं जज कर रहा हूँ मेरे गाड़ी को, आपको लगेगी। तब कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, कंफर्टेबल होकर बैठिए। आप एक एक बार क्या होता है, आप ऐसे डरेंगे तो आपके पैर जो है ब्रेक के बिना एक्सेलेटर पे चली जाती है। अब सारे लर्नर्स के साथ यही मिस्टेक होती है, आपके पैर ब्रेक के बिना टेंशन की वजह से ब्रेक के ऊपर जाने से पहले वो चली जाती है एक्सेलेटर पे ऊपर, सो आपकी गाड़ी क्या होती है, कंट्रोल को खो जाती है। सो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, ऐसे क्यों होती है, जब आपके टाइम आती है ब्रेक लगाने की तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली एक्सेलेरेटर पेडल पे प्रेस करोगे। 100% मैं कहता हूँ ये सभी के साथ होती है दोस्तों। ये क्यों होती है, मतलब आपके जो माइंड में जो साइंस चलते रहते हैं ना, फियर थिंग चलती रहती है, तो डेफिनेटली आपको मिसगाइड कर देगी। जब आपको टाइम आती है ब्रेक दबाने की, आप कन्फ्यूजन कर लेंगे तो आपको क्या हो लग जाती है, अरे ब्रेक दबाने से पहले आप एक्सेलेरेटर पे काम पैर रख दोगे, इससे क्या होगी, आपकी गाड़ी रुकने के बजाय और आगे चली जाती है, स्पीड से चली जाती है, तो इससे आपके लिए कुछ हादसा बन सकती है।
तो इससे बचिएगा, इससे डेफिनेटली आप बच सकते हैं अगर आप स्किल तरीके से गाड़ी चलाना सीख जाओगे। स्किल तरीके से कैसे गाड़ी चला सकते हैं, मतलब जब हमारी अंदर जो फियर थिंग रहती है उसको हमें निकाल के बाहर फेंकनी चाहिए दोस्तों। बनते हैं अच्छा ड्राइवर जो वो होता है दोस्तों, जब आप गाड़ी चलाते रहते हो आपकी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, आगे के गाड़ी अगर आपके सामने गाड़ी आ रही है तो हमें जजमेंट कैसी लेनी पड़ेगी, उस गाड़ी से हमें कैसा बचना चाहिए, ये सब आपके मन में आती रहनी चाहिए दोस्तों। जब आप एक बेहतर ड्राइवर बन सकोगे तो ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अगर मुझे आगे टर्न लेनी है, आगे लेफ्ट टर्न लेनी है, राइट टर्न लेनी है, तो मुझे किस तरह से इंडिकेटर देना चाहिए, किस स्पीड में मुझे गाड़ी टर्न करनी चाहिए, ये सब सारी बातें जजमेंट्स आप पहले ही सोच के रखना पड़ती है दोस्तों ड्राइविंग करते समय। ड्राइविंग आपकी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको भी सुरक्षित रखना है, आपकी गाड़ी को भी सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही साथ जो भी लोग रोड पे चलते रहते हैं, जो भी लोग गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, उनका ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको जब ड्राइव करते रहते हो आपके आपके ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी रहती है, इसीलिए आपको एक जिम्मेदार ड्राइवर बनना ज़रूरी है दोस्तों। डर को मारिए, हटा दीजिए उनको, फियर ऑफ ड्राइविंग को निकाल दीजिए अपने मन से और फुल स्किल तरीके से आप ड्राइविंग सीखिए दोस्तों। ठीक है, सीख सकते हैं दोस्तों। अगर ड्राइविंग को आप एक मेजर थिंग या फिर एक डरावनी सी महसूस करोगे तो आपके लिए ड्राइविंग मुश्किल पड़ सकती है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ड्राइविंग को आप जितना चाहे उतना फन में लीजिए, परफेक्ट बनिए। पहले ओपन ग्राउंड में सीखिए, खुली रोड पे सीखिए। जब आपके हाथ और पैर पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं कंट्रोल्स के ऊपर, तब आप रोड के ऊपर उतर आइएगा। अगर सडन से आप ट्रैफिक के ऊपर या ट्रैफिक रोड के अंदर उतर आओगे तो आपकी ड्राइविंग में फियर थिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, ओपन ग्राउंड पे ही आप प्रैक्टिस कीजिए और आपके साथ एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को ज़रूर रखिए। पहले आप उनसे सजेशन लो, फिर उन गाइडेंस लो पूरी तरीके से। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब आपको रोड पे ऊपर चलाना आसानी लग सकती है। डाल दिया और ड्राइविंग शुरू हो गई, ऐसी बात नहीं रहती है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एफर्ट डालनी पड़ती है। जैसे आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो, डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करते हो, इसी तरीके से आपकी ड्राइविंग स्टेज भी वही रहती है दोस्तों। स्टार्टिंग से आप ड्राइविंग सीखोगे अच्छे अच्छे तरीके से तो आगे जाके आपको वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको चैनल पसंद आई तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे वीडियोज में लाता रहूँगा, ऐसे स्किल्स में आपके लिए बताता रहूँगा। इसीलिए आपको अगर लर्नर्स है तो आपको डेफिनेटली हमारे चैनल के अंदर एक बार आँख लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर हमें एक लाइक दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।